हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेल और आप देख रहे हैं होम्यो मैजिक चैनल। होम्यो मैजिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नया दिन, एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है लिकोरिया और उससे रिलेटेड सिम्टम्स, जो कि आजकल एक बहुत आम समस्या मानी जाती है फीमेल्स के लिए, जिसे हम फीमेल्स प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ल्यूकोरिया के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये ल्यूकोरिया होता क्या है। ल्यूकोरिया एक फीमेल प्रॉब्लम होती है, यह एक स्त्री रोग होता है। ल्यूकोरिया को हम सफ़ेद पानी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से फीमेल वेजाइना से वाइट सॉलिड डिस्चार्ज होता है और जिसमें से बदबूदार पानी भी निकलता है, जिसके कारण फीमेल में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और यह प्रॉब्लम फीमेल में अक्सर होते रहती है और यह प्रॉब्लम एक आम समस्या मानी जाती है फीमेल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था ल्यूकोरिया। अब इससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं कि जो ल्यूकोरिया में और उसके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा असरकारक मेडिसिन साबित होगी, अब उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में वैक्सीन कंपनी की पहले 8 टैबलेट का यूज़ करना है। ये टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है लिकोरिया के लिए और उससे रिलेटेड सिम्टम्स के लिए। विशेष रूप से लिकोरिया नीला और तीखा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फार्मूला माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेजाइना की इचिंग को कम करने के लिए, पेल्विक पेन से राहत दिलाता है, मेनस्ट्रुएशन की इनरेगुलरिटी को ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं फीमेल डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स को। एमिनोरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। डायस मेनोरिया का मतलब होता है कष्टा तर्व। मेनोरेजिया स्वेलिंग ऑफ द यूटेरस, गर्भाशय में सूजन। फेलोपियन ट्यूब या अंडरकोस पेल्विक सूजन संबंधी रोग, या जिसे हम ओवेरियन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फीमेल डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स। अब जानते हैं कि होम्योपैथिक जो टैबलेट होती है पेल्विक एड, इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। इस टैबलेट में 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि लिकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, जिसमें कि पहली मेडिसिन आती है एल्यूमिनिया, दूसरी मेडिसिन आती है बोरेक्स, तीसरी मेडिसिन आती है सीपिया और चौथी मेडिसिन आती है क्रियाजोडम और लास्ट मेडिसिन आती है पल्सेटीला। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन बहुत ही बढ़िया होती हैं लिकोरिया के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इस मेडिसिन का कैसे यूज़ करना है। अगर आप एडल्ट हैं तो इस मेडिसिन की एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करना है। अगर आप ये टैबलेट 12 साल से कम के बच्चों को देते हैं तो उनको हाफ डोज देना है, मतलब कि आधी आधी टैबलेट 3 टाइम। ये मेडिसिन आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी ल्यूकोरिया से रिलेटेड सिम्टम्स और उससे रिलेटेड मेडिसिन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में ही मेडिसिन लें। और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे इजीली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।